अमरनाथ गुफा के पास फटा बादल, 13 की मौत, 40 लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दक्षिण कश्मीर में स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार शाम को बादल फटने से कम 13 लोगों की मौत हो गई। अचानक हुई बारिश से पूरे इलाके में तेजी से पानी भर गया और कई लोग इसकी चपेट में आ गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में 25 टेंट तथा 3 सामुदायिक रसोई घर नष्ट हो गए। एक टेंट में 4 से 6 लोग ठहरते हैं। लोगों ने बताया कि हादसे के बाद श्रद्धालु बारिश के बावजूद टेंटों से निकल आए। सबके चेहरों पर दहशत साफ नजर आ रही थी। अधिकारियों ने बताया कि 3 लोगों को बचाया गया है। जिस समय बादल फटा उस समय गुफा के पास 10 से 15 हजार श्रद्धालु मौजूद थे। इस घटना में मरने वालों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। 35 से 40 श्रद्धालुओं के अभी भी फंसे होने की खबर है। गुफा के पास फंसे यात्रियों को पंचतरणी ले जाया गया है। कई श्रद्धालु लापता हैं और उसके तेज बहाव में बहने की आशंका है। पुलिस, सेना तथा NDRF के कर्मी बचाव अभियान में लगे हैं। NDRF का एक दल पहले से मौजूद है जबकि 2 और दल पहुंच रहे हैं। कई घायलों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। मृतकों की संख्या और बढ़ने का अनुमान है। फिलहाल बाबा बर्फानी के गुफा के पास सन्नाटा पसरा हुआ है। वहां अफरा तफरी का माहौल है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अमरनाथ यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। यात्रियों और उनके परिजनों को जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया, श्री अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की घटना से दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। प्रधानमंत्री ने कहा, बचाव और राहत अभियान जारी है। उन्होंने राहत कार्यों के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिए कि अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से प्रभावित लोगों को बचाने का कार्य तेजी से किया जाए। अमरनाथ हादसे के मृतकों के प्रति CM हेमंत सोरेन और राज्यपाल रमेश बैस ने शोक जताया। उन्होंने कहा कि पवित्र स्थल अमरनाथ गुफा क्षेत्र में बादल फटने से कई तीर्थ यात्रियों के हताहत होने की दुखद खबर मिली है। तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।